हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप लोग। एंड्रॉइड इंजन बिगिनर सीरीज का और एक शानदार ट्यूटोरियल पे आप सबका स्वागत है। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एंड्रॉइड इंजन मॉडलिंग टूल के बारे में, जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं खुद का कुछ भी 3D एसेट्स, जैसे वॉल, कोई ऑब्जेक्ट या फिर कुछ भी आप क्रिएट कर सकते हो। मैं बेसिक में बताऊँगा और आपका काम हुआ उसको आप किस तरीके से यूज करोगे, ठीक है। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एनरियल इंजन पे मॉडलिंग टूल एनेबल करने के लिए हमको जाना पड़ेगा एडिट पर, उसके बाद यहाँ पे प्लगइन पे जाना है और यहाँ पे हमें मॉडलिंग टूल सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास आएगा ये मॉडलिंग टूल एडिटर मोड, सो सिंपली इसे एनेबल करना है। उसके बाद आपको रिस्टार्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, सो इसको सिंपली रिस्टार्ट कर देना है। रिस्टार्ट करने के बाद इन सब को आपको क्लोज करना है, ओके। उसके बाद अभी अगर हम जाते हैं यहाँ पे सिलेक्शन मोड पे, तो हमें यहाँ पे मॉडलिंग टूल मिल जाएगा, ओके। सो चलिए चलते हैं, एक नया लेवल क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे, ओके। सो फाइल, न्यू लेवल, यहाँ पे मैं बेसिक ये वाला ले रहा हूँ, क्रिएट, ओके। तो इसी के ऊपर हम मॉडलिंग टूल के बारे में जानते हैं क्या क्या ऑप्शंस है, क्या नहीं है। सो सबसे पहले हम चलते हैं मॉडलिंग पर और सबसे बेसिक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे कुछ शेप्स, कुछ बेसिक शेप, ठीक है। जैसे यहाँ पे बॉक्स है, सो इसको अगर हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा विड्थ, डेप्थ एंड हाइट, एंड उसके नीचे उसका सब डिवीजन आपको दिखाएगा, ओके। सो सपोज ये है मेरा बेसिक सा क्यूब, आप देख सकते हो ये, ओके। सो इसको अगर मैं विड्थ इसका 500 कर लेता हूँ एंड डेप्थ भी 500 एंड हाइट भी 500 कर लेता हूँ, ठीक है। एंड नंबर ऑफ साइज मैं इसका करना चाहता हूँ 100 एंड 100। प्लेस करने के लिए आपको जहाँ भी रखना है इसको एक बार माउस का लेफ्ट क्लिक को दबा देना है, तो ये प्लेस हो गया। उसके बाद आप चाहो तो इसको कहीं पे मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो इस तरह से। मैं अभी के लिए यहाँ पे रखता हूँ एंड इसको मैं जब फाइनल हो जाएगा तो एक्सेप्ट कर लेना है। और उसके बाद भी आप इसको मूव कर सकते हो, स्केलिंग कर सकते हो, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा कोई इशू नहीं है। उसके बाद सपोज हम यहाँ पे स्फीयर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है स्टैटिक मेस, वॉल्यूम, डायनेमिक, अलग अलग टाइप का है, ठीक है। सो यहाँ पे रेडियस है इसका, सो इसको अगर मैं इंक्रीज करूँ तो देखो इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे उसका सब डिवीजन है, तो इसको मैं 100 करता हूँ एंड रेडियस जो है इसको 200 रखता हूँ, ओके। उसके बाद इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे एंड देन अगर आप चाहो तो इसको मूव कर सकते हो इस तरह से, एक्सेप्ट। सो इसी प्रोसेस पे आप बाकी सब जो भी यहाँ पे शेप्स हैं आप इन सब को यूज़ कर सकते हो और हर एक शेप का मटेरियल भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मटेरियल लिखा हुआ है, तो सपोज मैं बाय डिफ़ॉल्ट जो एंड्रॉइड इंजन के अंदर होता है वो वाला मैं सर्च करता हूँ, लाइक ग्रास। सो मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ यहाँ पे एंड इस क्यूब के लिए मैं यूज़ करना चाहता हूँ ब्रिक, ओके, जो बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉइड इंजन के अंदर होता है, ठीक है, पहले से दिया गया होता है ये चीज़ें, ओके। उसके बाद चलो इसका जो और भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं उस पे जाते हैं। उसके नीचे है क्रिएट, ओके। सो क्रिएट क्या है, सपोज मैं यहाँ पे ये पहला वाला टूल लेता हूँ, पॉली एक्सट्रैक्ट, ठीक है, उसको क्लिक करते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक करूँगा, एक पाथ टाइप का क्रिएट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लेके इस तरह से यहाँ पे। और अभी अगर मैं इसको मूव करूँगा कनेक्ट करने के बाद, तब देखो ये एक्सट्रूड हो रहा है ऊपर तरफ, ठीक है, मतलब एक मैश यहाँ पे जेनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको अलग अलग डिज़ाइन का मैश क्रिएट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी ये हो गया, एक पाथ क्रिएट हो गया और एक हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, फिर से इस टूल को लेंगे एंड अभी हम एक स्टार टाइप का क्रिएट करते हैं, शायद परफेक्ट स्टार नहीं हो सकता, ठीक है, तो हंसना मत। और अभी हम इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। सो ये हमारा टूटा हुआ स्टार हो गया, ओके। उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। और इसको भी हम कुछ यहाँ पे मेटल्स दे देते हैं, जैसे कंक्रीट, ओके, और इसको हम दे देते हैं कुछ मेटल। मेटल में क्या है देखते हैं,
ठीक है, इसी को दे देते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन है जो उसके जस्ट साइड पे, पाथ एक्सट्रैक्टर, ठीक है, वो भी उसी टाइप का एक क्या बोलते हैं टूल है। सो यहाँ पे भी हम क्रिएट करते हैं, तो इस पर क्या होगा आप देख लोगे। तो यहाँ पे एक पाथ क्रिएट हो रहा है, ठीक है, इस पर, इस टूल पे बीच में हमारे पास होल रहेगा, वो गैप रहेगा, ठीक है। और इसको अगर हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं, और देखो यहाँ पे एक पाथ जनरेट हो रहा है इस टाइप का। ओके, सो जहाँ पे भी आपको सही लगेगा क्लिक करना है और एक बार एंड कंप्लीट, ठीक है। सो ये तो रहा हमारा ये दोनों टूल, बाकी बहुत सारे हैं। उसके बाद देखो मैं जो जो जानता हूँ मैं वो सब आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग ऑप्शन है मैश बुल, ठीक है, जो कि अभी ये डिसेबल है, क्योंकि इस पर क्या होता है जब जो चाहिए तभी वो एनेबल होगा। सोचो मैश बुल क्या है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरा एक ऑब्जेक्ट का शेप हमें हटाना है। सपोज मैं यहाँ पे एक स्फीयर लेता हूँ, ओके, एंड यहाँ पे मैं रखता हूँ कुछ इस तरह से, एंड इसको अंदर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। अभी मैं चाहता हूँ ये जो क्यूब है, बॉक्स है हमारे पास, उसका ये एरिया इस बॉल के हिसाब से कट जाए, ठीक है। तो उस जगह पे हमें मैश बुल का यूज करना है। सो क्या करना है उसके लिए, एक्सेप्ट करके इस बॉल को एंड इस क्यूब को दोनों को सिलेक्ट करना है। तो अभी ये आप देख सकते हो ये एनेबल हो गया है, ठीक है। सो इसको क्लिक करना है एक बार, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑपरेशंस का, ठीक है। सो डिफरेंस ए माइनस बी है, सो बी टू ए में कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो इसका यहाँ पे एक शेप जनरेट हो चुका है, ठीक है। और इसी जगह पे आप चाहो तो ऐसे मूव कर सकते हो इनको, ठीक है, जैसा आपको शेप चाहिए, या फिर आप इसको ऐसे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो स्केल, ठीक है। सो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ, एंड यहाँ पे मैं फाइनल करना चाहता हूँ एंड एक्सेप्ट। ओके, सो ये कुछ बेसिक टूल्स हैं। एंड उसके बाद है यहाँ पे कुछ कट करने का टूल है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और एक मैं यहाँ पे स्फीयर ले लेता हूँ, स्फीयर इसको ड्रॉप करते हैं। उसके बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे प्लेन कट पर, इस पर क्या होता है देखते हैं। सो प्लेन कट को सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे देखो एक ग्रिड आता है आपके पास, इसको जिस डायरेक्शन पे आप रोटेट करोगे उसी के हिसाब से ये कट होता जाएगा, ठीक है। सपोज मैं इसको ऊपर लेना चाहता हूँ तो वो उसी शेप पे इसको कट करेगा, ठीक है। सपोज मैं इसको यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ, एंड उसके बाद मैं और एक कट इस साइड पे रखना चाहता हूँ, ठीक है। सो अगेन प्लेन कट लेना है, एंड इसको रोटेट करना है, एंड इसको यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे भी एक्सेप्ट। सो इस तरह से आप अलग अलग डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो इसका। ओके, और यहाँ पे और एक ऑप्शन है पॉली कट का, सो इसको सिलेक्ट करते हैं, एंड इसको हम रखते हैं यहाँ पे, देख सकते हो एक सर्कल टाइप का ऑप्शन आया है, ठीक है। सो इसको हम चेंज करेंगे यहाँ पे, वेट, यहाँ पे देखो शेप लिखा हुआ है सर्कल, सो इसको हम चेंज करते हैं स्क्वायर पे, तो ये स्क्वायर टाइप का यहाँ पे कट करेगा, ठीक है, एक होल क्रिएट कर लेगा, ठीक है। और इसको जैसे आप चेंज करोगे एंगल उसी के हिसाब से कट करेगा ये, एंड यहाँ पे मैं इसको कट थ्रू लिखा हुआ है, इसको हम ट्रिम आउटसाइड लिखते हैं तो क्या होता है, तो देख सकते हो ये एक प्लेन क्रिएट कर लिया है, ठीक है, क्योंकि हम ट्रिम आउटसाइड पे क्लिक किए। उसके बाद यहाँ पे और एक ऑप्शन है इंसर्ट पॉलीगन, ठीक है, तो ये ज़्यादा काम का नहीं है आई थिंक। उसके बाद है कट थ्रो, ठीक है, तो ये कट हो चुका है। सो इसको हम अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो देखो हमारा एक सिंपल सा स्फीयर
किस तरह से यहाँ पे डिजाइन हो चुका है। ओके, उसके बाद है यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का ऑप्शन है, वो एडवांस पे जाएगा। ठीक है, अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे डीएम करो। अगर एडवांस लेवल पे अनरियल इंजन फिल्म मेकिंग को लेके कैसे यूज करते हैं, अगर जानना चाहते हो, ग्रीन स्क्रीन वगैरह का काम जानना चाहते हो अनरियल इंजन के साथ, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करो। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे नीचे है, हाँ, सिलेक्शन मोड है। ठीक है, सो सपोज मैं यहाँ पे कुछ एरिया सिलेक्ट करना चाहता हूँ एंड अलग अलग मटेरियल अप्लाई करना चाहता हूँ, सो यहाँ पे एक ऑप्शन है, हम यहाँ पे जाएंगे मटेरियल एडिट पर यहाँ पे, एंड यहाँ पे देखो बहुत सारे साइट्स आ गए, एंड यहाँ पे देखो बहुत सारे साइट्स आ गए हैं, तो यहाँ पे हम पेंट कर सकते हैं एंड सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये सिलेक्शन टूल है। ठीक है, अभी सिलेक्शन करके क्या कर सकते हैं हम, सिंपली हम यहाँ पे एक टाइप का ही मटेरियल ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम, यहाँ पे देखो आप, ठीक है, मटेरियल का ऑप्शन है, सो यहाँ पे कोई भी एक मटेरियल चूज करते हैं लाइक दिस पिंक कलर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे जाएंगे एंड असाइन एक्टिव मटेरियल को क्लिक कर देंगे, तो अभी क्या हुआ है, चारों तरफ अप्लाई हो चुका है। ठीक है, सो अभी हम वन साइड पे जाते हैं, इस साइड पे अगेन हम इसको लेते हैं एंड यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, सिलेक्ट हो चुका है, अगेन हम यहाँ पे और एक मटेरियल प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। ओके, और यहाँ पे अलग मटेरियल चूज करते हैं लाइक ब्रिक, एंड यहाँ पे हम इसको लेते हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे हमें सिलेक्शन करना पड़ेगा ब्रिक स्टोन। ओके, उसके बाद असाइन एक्टिव मटेरियल एंड एक्सेप्ट, एंड अभी आप देख सकते हो डिफरेंट साइड पे डिफरेंट मटेरियल अप्लाई हो चुका है। ठीक है, सो ये कुछ बेसिक टूल्स है अनरियल इंजन का, ये इसके अंदर तो बहुत सारे हैं, एडवांस पे भी है। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, आज का क्लास इस सीरीज का लास्ट क्लास था, नेक्स्ट क्लास पे हम एक 3D एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, लाइट सेटअप मटेरियल जो जो भी है उनको यूज करके एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो मिस मत करना, और वो हमारा सीरीज का लास्ट एपिसोड रहेगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो पे, हैव ए नाइस डे।